ठीक है, बिजनेस 6.1 लेक्चर नंबर 2 वापस बता रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ मराठी और हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मराठी मध्ये सरळ पद्धत और हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी पद्धति, गृहित मध्य पद्धत। हिंदी में गृहित माध्य पद्धति बोला जाता है, ठीक है। दूसरी सेकेंड, ठीक है। इसमें हम लोग को ग्रुप करना पड़ता है 5, याद रखना कितने ग्रुप करना है, 5। तीसरी जो पद्धति है वो हम लोग ऑफलाइन में लेंगे, क्योंकि तुम्हारा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो हम लोग तीसरी पद्धति बाद में लेंगे। डायरेक्ट 6.2 चालू करेंगे कल से। तो आज हम लोग गृहित माध्य पद्धत पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग को ग्रुप करना है 5, 1, 2, 3, 4, 5। मैं कल का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल हम लोगों ने 6.1 का जो पहला क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों पद्धति से उत्तर सेम आता है। बोर्ड में अगर तुम्हारा ही पेपर खुद का चेक करना है तो एक पद्धति से करके देखने का और बाद में दूसरे पद्धति से करके देखने का। अगर दोनों पद्धति से सेम आया तो समझ जाने का मेरा आंसर सही है, मुझे कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को कल हमारा आंसर आया था 4.36, तो देखते इससे भी आंसर आएगा कि 4.36। और गृहित मध्य पद्धति में दो, कल हम लोग ने एक ही सूत्र का इस्तेमाल किया था, बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई, नीचे सिग्मा एफ आई था। आज हम लोग दो सूत्र इस्तेमाल करेंगे, बार डी मतलब मध्य तो होता नहीं, मध्य मतलब बार एक्स होता है, तो बार डी के बाद बार एक्स भी डालना पड़ता है। ये दो तो 5 ग्रुप बनाना है, और मैंने जैसे कि कल बताया था वापस बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला रहता है वो लास्ट में लिखना रहता है, एफ आई इंटू डी आई। ये जो लास्ट वाला है वो इधर लिख दो डी आई, और डी आई का वी एक फॉर्मूला है xi माइनस a। फिर इसके बाद तो तुमको बताइए, इधर आएगा एफ आई, इधर आएगा एक्स आई, और इधर आएगा क्वेश्चन। समय वेळ या समय लिखना है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, ठीक है। ये तुम लोग को ग्रुप बनाने हैं, और यहाँ पे आएगा टोटल। क्या बोला था क्वेश्चन, तीसरे में लिखना है 7, 18, 12, 10, 3। हम लोग कल पढ़ चुके हैं, सोए को खड़ा करना है, पहले और तीसरे में डालना है, ठीक है। कल पढ़ चुके हैं। दूसरे में क्या करते थे हम लोग को, दोनों को प्लस करके आधा, 2 और 0 2, 2 का आधा 1, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 8 से 14, 14 का आधा 7, और इधर आएगा 9। फिर हम लोग इसका टोटल करते थे, इसका टोटल हमारा कल आया था 50, मतलब ये कल जैसे ही है। अब नया क्या है, गृहित माध्य। गृहित मतलब अपने मन में लेना, जैसे हम लोग खेलते गेम भी खेलते हैं कि चल मान ले कि तू इधर गया है, मान ले तू ऐसा है, मान ले तेरा ऐसा है, ठीक है। तो गृहित बोलते हैं, वैसे मानना है कुछ, गृहित मध्य उसको हम लोग ए बोलते हैं, एज्यूम करना, मानना, ए बोलते हैं। इसमें से कोई भी एक नंबर तुम्हारे मन में मानना है, इसमें से कोई भी एक नंबर, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। पहला ही लोगे तो और अच्छा, आंसर माइनस में नहीं आता, सब प्लस में आता है और इजी जाता है। तो इसमें से कोई भी एक गृहित मध्य लेना है, कोई भी एक, इसमें से एक्स आई में से ही, बाकी किसमें से नहीं, इसमें से। समझो मैंने एक ले लिया, वो हो गया ए बराबर एक। तुम ले सकते हो 3, कोई ले सकता है 5, कोई ले सकता है 7, सबका आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, तो डरना नहीं है। तो पहला हम लोग ने ले लिया। अब चौथे ग्रुप में क्या करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। ये तुमको एक्स आई दिख रहा है और ये तुमको ए दिख रहा है, इसमें से इसको माइनस करते जाने का, ठीक है। देखो मैं करके रख रहा हूँ, एक्स आई माइनस ए, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 8। क्लियर हो गया। अब एफ आई डी आई बोला है, मतलब एफ आई और डी आई के बीच में इंटू, ये एफ आई है डी आई, इनका इंटू करो, गुना करो, 7 0 0, 18 2 36, 12 4 48, 10 6 60, 3 8 24। इसका टोटल कर दो, कितना हो जाएगा टोटल, 60 और 40 होता है 100, मतलब ये 108 हो गया, 108 और 124 132 हो गया, 132 में 36 मिला, 168 हो गया,
ठीक है, ये 168 आ गया। हम लोग को क्या करना है, प्लस किसका करना है, सिर्फ FIDI का, हमने FIDI का किया और FI का करना है, बाकी किसी का प्लस करना नहीं है। अब डाल दो फॉर्मूले में, बार डी सिग्मा FI इंटू DI सिग्मा FI, चलो FIDI का टोटल है 168, नीचे कितना है 50, डिवाइड करो 50 × 3 150, 18 बचा, 0 लिया पॉइंट, 50 × 3 वापस 150, 30 बचा, 0 लिया 6, 3.36 आएगा। क्लियर हो गया, 3.36। अब दूसरा फॉर्मूला भी डाल दो, बार एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 1, बार डी की वैल्यू कितनी आई 3.36, एक और तीन 4.36। हम लोग का कल भी आंसर आया था 4.36, आज भी आंसर आया 4.36। तो यहां पे लिखना है माध्य, मध्य मध्य हिंदी में माध्य, 4.36 तास ना घंटे, ये तुम्हारा आंसर। तो आज का तुम्हारा होमवर्क है, मैंने कल होमवर्क दिया था कि कल वाले जो हमारी प्रत्यक्ष विधि थी सरल पद्धत, उससे 5 गणित सॉल्व करने, तो आज तुम्हारा होमवर्क है कि इसी पद्धति से वापस वही 5 गणित वापस सॉल्व करने, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर, बाय।